हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास में हमने सॉल्ट एनालिसिस के दो प्रीलिमिनरी टेस्ट, बोरेक स्पीड टेस्ट एंड कास्टिक सोडा टेस्ट, उन्हें डिस्कस किया था। अब हम इसी सीरीज में अपना नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है चारकोल कैविटी टेस्ट। नाउ व्हाट इज चारकोल कैविटी टेस्ट और ये होता क्या है? चारकोल कैविटी, चारकोल हमें पता है कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है। तो चारकोल का एक छोटा सा ब्लॉक आता है, कार्बन ब्लॉक, उसमें हमें एक कैविटी, कैविटी का मतलब होता है होल, ठीक है। हमें वो होल करना है और वहां पर अपना मिक्सचर डालकर उसका टेस्ट करना है। अब चारकोल कैविटी टेस्ट से हम निकालते क्या? हम निकालते हैं इससे बेसिक रेडिकल्स। फ्लेम किया, बोरेक स्पीड किया, चारकोल कैविटी किया, कास्टिक सोडा किया, इन सब से क्या निकाले हमने? बेसिक रेडिकल्स को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब बेसिक रेडिकल में लेड भी हो सकता है, कॉपर भी, लेड, कॉपर, पीबी टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव, कोबाल्ट टू पॉजिटिव, बिस्मिथ थ्री पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सबको हम निकाल सकते हैं। आर्सेनिक जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, यहां से निकालते हैं। अब करना क्या है? आपके पास एक छोटा सा इस तरह से ब्लॉक होगा चारकोल का, ये है हमारा चारकोल ब्लॉक। आपके पास वो होते ना स्पैचुला, स्पैचुला की हेल्प से आप इसके अंदर क्या करोगे? एक कैविटी बनाओगे, ये है कैविटी, हो गया चारकोल कैविटी, ठीक है। आपने इसमें एक कैविटी बनानी है। कैविटी बनाने के बाद इस कैविटी के अंदर आपने क्या करना है? मिक्सचर फिल, फिल मिक्सचर इन कैविटी, कैविटी के अंदर मिक्सचर फिल कर दो, ठीक है। जब कैविटी के अंदर मिक्सचर फिल करोगे फिर आपने क्या करना है? आपने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि आपका बर्नर यहां पर हो बीच में, ये बर्नर की फ्लेम है, ठीक है। एक साइड पर आपने एक ब्लो पाइप लेना है, जो ब्लो पाइप होता है वो कुछ इस तरह होता है, हल्का सा टेढ़ा, ये है ब्लो पाइप। आपने ऐसा ब्लो पाइप लेना है, इधर रखनी है अपनी कैविटी जिसके अंदर आपने मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है। इधर आएगा आपका ब्लो पाइप, आपने क्या करना है? इधर से ब्लो करना स्टार्ट करना है, जैसे फूंक मारते हैं ना पाइप के अंदर, फूंक मारनी है। फूंक मारने से क्या होगा? ये जो फ्लेम है वो इसकी तरफ जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। यानी अब फ्लेम जो होगी वो कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी, इस तरह से, किसके ऊपर? जो हमारी कैविटी है उसके ब्लॉक के ऊपर जाएगी, ऐसे। आप इधर से ब्लो कर रहे हो, वो फ्लेम उधर कैविटी की तरफ जाने शुरू हो गई, और जब वहां पर हमारा मिक्सचर होगा उस मिक्सचर के ऊपर वो हीट जाएगी और मिक्सचर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। आपने ये चीज करनी है फॉर 2 to 3 मिनट्स, आपने 2 से 3 मिनट तक ये चीज करनी है। मींस एक चारकोल का ब्लॉक लेना है, उसके अंदर एक होल करना है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, आपने उसे बोलना है चारकोल कैविटी, उसके अंदर कैविटी के अंदर अपना मिक्सचर फिल कर देना है। मिक्सचर फिल करने के बाद बर्नर के एक साइड पे कैविटी लानी है और एक साइड पे ब्लो पाइप लेना है और एक साइड से ब्लो करना स्टार्ट करना है। ब्लो पाइप की शेप कुछ ऐसे होती है, लैब में इजिली अवेलेबल होते हैं। ब्लो करने के बाद आपकी जो फ्लेम है, जैसे कभी भी फूंक मारोगे तो जिधर एयर की डायरेक्शन होगी फ्लेम भी उसी डायरेक्शन में जाती है, तो हमारी एयर की डायरेक्शन ये थी तो फ्लेम भी इसी डायरेक्शन में गई, उस डायरेक्शन में हमारी कैविटी थी तो यानी फ्लेम हमारी कैविटी पे गई, उस कैविटी में मिक्सचर है यानी मिक्सचर को क्या हो जाएगा? फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने 2 से 3 मिनट किया बिकॉज फ्लेम को वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है? अपना कलर नोट करना है इसमें, इस कैविटी का, और यहां पर जो आप ये काम करोगे ये हमेशा आप रिड्यूसिंग फ्लेम में करोगे। आपने हमें
हमेशा कौन सी फ्लेम यूज करनी है, रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम का क्या होता है मेन पर्पस, इससे हमें सही टेस्ट आता है, ऑक्सीडाइजिंग से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, ये हमेशा रिड्यूसिंग फ्लेम में ही नोट किया जाता है। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में करोगे, कैविटी के ऊपर आपने चेंज नोट करना है, क्या चेंज आया, क्या उसमें कोई बीड बना या उसमें कोई कलर आना शुरू हुआ, आपने वो सब कुछ नोट करना है। क्लियर? जैसे कि अगर आपकी कैविटी है, कैविटी के अंदर आपके रेडिश ब्राउन कलर बनने लग गया, मीन्स यहाँ पे मिक्सचर का कलर जो है रेडिश ब्राउन आया, तो जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ये होता है आपका कैडमियम का, कैडमियम टू पॉजिटिव का। क्लियर? अगर आपके पास ब्लैक कलर के रेसिड्यू आए तो ये आयरन हो सकते हैं, टू पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव, निकल हो सकता है, ठीक है, कोबाल्ट हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अगर आपके पास यहां पर जो रेड कलर आना शुरू हो गया, रेड कलर होता है आपका Cu2 पॉजिटिव का। क्लियर? तो रेड आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, ब्राउन आ सकता है, ग्रे भी आता है, जैसे अगर शाइनिंग से बीड आ गया तो वो Ag का होता है, यानी कि सिल्वर का हो गया, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद रखोगे। ऐसे येलो भी आ सकता है, ऑरेंज, जैसे बिस्मत होता है उसके लिए ऑरेंज आ जाता है। क्लियर? बट इसी में जो होता है कई बार व्हाइट कलर भी आता है, क्योंकि मिक्सचर व्हाइट है तो ऐसे व्हाइट सा ही आने लग जाता है, कोई कलर नहीं दिखेगा, उसे हम व्हाइट बोलेंगे। ये व्हाइट होता है हमारा Al3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जैसे Al, Zn, Mg2 पॉजिटिव और Sn2 पॉजिटिव, ये चारों तो इसमें से निकलते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई होगा अगर इसमें क्या कलर आ गया, व्हाइट कलर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसमें कैविटी में कलर नोट करना है, इसे हम बोलते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, एट्थ, दैट इज चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये टेस्ट कोई अलग टेस्ट नहीं है, ये तभी करना है अगर पिछले टेस्ट में आपका व्हाइट कलर आ रहा है तो। ठीक है, अगर पिछले टेस्ट में व्हाइट आ रहा है तभी करना है, ओनली व्हेन व्हाइट रेसिड्यू ऑब्टेन इन चारकोल कैविटी टेस्ट। अगर उस टेस्ट में आपके व्हाइट कलर आए हैं तभी आपने चारकोल कैविटी को बाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, व्हाइट रेसिड्यू तो तक पिछला ही चला जैसा था, अब आपने उन व्हाइट रेसिड्यू को जो कैविटी के अंदर है उस पे डाल देना है आपने कोबाल्ट नाइट्रेट, ये रेड कलर का सोल्यूशन होता है कोबाल्ट नाइट्रेट का डालना है, और उसके बाद आपने पिछले जो टेस्ट है यानी उसका टेस्ट का प्रोसीजर, यानी उसी को फिर से एक साइड पे रखना है, एक साइड पे बर्नर होगा, बीच में इधर से ब्लो पाइप से ब्लो करोगे एंड रिपीट ठीक है, जैसे चारकोल कैविटी में किया था ना बिल्कुल वैसे ही हीट करना है। हीट करने के बाद आपने फिर से कैविटी का कलर को क्या करना है, नोट करना है। आई रिपीट, अगर पिछले टेस्ट में व्हाइट कलर आएगा तभी आपने ये टेस्ट करना है, उसके लिए क्या करना है, पिछले व्हाइट रेसिड्यू के ऊपर ही आपने कोबाल्ट नाइट्रेट रेड कलर के सॉल्यूशन को डालना है और फिर से बर्न रख के उसको हीट करना है, मतलब उस पे फ्लेम लेके जानी है और कैविटी का जो कलर आ रहा होगा आपने उसे नोट करना है। अगर आपकी कैविटी में अब ब्लू कलर आया तो ये होगा Al3 पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट इनके लिए, सबके लिए तो करना ही नहीं है, सिर्फ व्हाइट आएगा तभी करना है, बट जो आ रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब इनके आप बेसिक रेडिकल के टेस्ट करोगे उनमें से एक टेस्ट ये भी होगा। अगर ग्रीन आ रहा है तो ये होता है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, अगर डर्टी ग्रीन आ रहा है, नो डाउट दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है Sn और जिंक में कि ये कलर किसकी वजह से आ रहा है, और अगर आपके पास आ रहा है पिंक तो आप करते हैं Mg2 पॉजिटिव।
ठीक है। एसएन तो इतना ज्यादा मिलता ही नहीं है लैब में, बट एल्यूमिनियम, जिंक और एमजी ये तीनों तो मिलते हैं। और इनका जो कलर का टेस्ट होता है, जब इनके आप बेसिक रेडिकल में जाकर टेस्ट भी करोगे तो उनमें से भी एक टेस्ट होगा, चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। और वो टेस्ट बिल्कुल सेम यही टेस्ट है, तो हम इसे पहले कर लें तो बाद में हम लिखते हैं सेम एज प्रीवियस टेस्ट, नहीं अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं किया तो आपको बाद में जाके करना पड़ेगा। मेन पर्पस इन सब टेस्ट का ये होता है कि ये सिर्फ हमें हिंट दे देते हैं, एक्सेप्ट जो हमने वो किया पीछे फ्लेम टेस्ट और जो कास्टिक सोडा किया, उनके अलावा ये सारे हमें हिंट दे देते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो फिजिकल टेस्ट थे हमने उनकी बात की। अब इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने एसिड रेडिकल के प्रीलिमिनरी टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिल्यूट कंसेंट्रेटेड एसिड टेस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनसे एसिड रेडिकल निकलेंगे। ये बेसिक रेडिकल का हिंट देने के लिए थे टेस्ट, ठीक है। ड्राई को छोड़ दो, ड्राई हीटिंग टेस्ट को, बाकी सारा से हमें बेसिक रेडिकल के हिंट मिल जाते हैं, ओके। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट दो टेस्ट, डिल्यूट और कंसेंट्रेटेड एसिड टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।